क्या हुआ चिंग्स, इतनी परेशान क्यों है? अरे क्या बताऊं अभी, आज हिंदी क्लास में कुछ समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ आया? ऐसा क्या पढ़ा दिया मैम ने? और मैम से क्यों नहीं पूछा तूने ये सवाल? मैम ने कुछ बोला, मैं नोट नहीं कर पाई और पीरियड खत्म हो गया तो मैम चली गई, फिर मैं पूछ नहीं पाई उनसे। पता अरे कुछ तो याद होगा, क्या बोला मैम ने? नहीं, कुछ साम दंड करके कुछ बोला था। ओहो, मैम ने साम दाम दंड भेद बताया होगा। अरे हाँ, यही तो बोला था। ये क्या होता है? साम मतलब आग्रह करना, दाम मतलब किसी को लालच देकर काम कराना, दंड मतलब अपनी ताकत दिखाकर किसी से काम कराना, और भेद का मतलब दो लोगों में फूट डाल देना और अपना फायदा करा लेना। अबे अभी भी समझ नहीं आया। अच्छा कोई कहानी सुनाओ ना। अच्छा ठीक है तो सुनो। एक बार की बात है, घने जंगल में एक बुद्धिमान सियार रहता था। एक बार वो भूख का मारा जंगल में इधर उधर भटक रहा था कि तभी उसे एक मरा हाथी मिल गया। वो बड़ी खुशी से हाथी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। वो हाथी का मांस खाने के लिए बड़ा बेचैन था, लेकिन हाथी की मोटी खाल होने की वजह से वो उसे काट नहीं पा रहा था। उसी समय सामने से एक शेर आ गया। शेर को देखकर सियार ने प्रणाम किया और नम्रता से कहा, स्वामी, मैं आपके लिए ही बैठा इसकी रक्षा कर रहा हूँ, आप इसका भोजन कीजिए। शेर ने कहा, मैं दूसरों का मारा हुआ शिकार नहीं खाता, इस हाथी को तुम ही खाओ। सियार ने खुश होकर कहा, आप हमारे स्वामी हैं, ये तो आपकी अपने सेवक पे कृपा ही हो गई। शेर वहां से चला गया। तभी सामने से एक बाघ आता दिखाई दिया। उसको देखकर सियार ने सोचा, शेर को तो नम्रता से हटा दिया, लेकिन इसके साथ भेद नीति अपनानी पड़ेगी। ये सोचकर उसने कहा, अरे महाराज, आप यहाँ कहाँ फंसे? इस हाथी का शिकार सिंह महाराज ने किया है, फिर इसे मेरी रखवाली में छोड़कर नहाने गए हैं। वो मुझसे कह गए हैं कि अगर कोई बाघ दिखाई दे तो मुझे तुरंत बताना। पहले एक दुष्ट बाघ ने उनके शिकार को झूठा कर दिया था, तब से वो इतने नाराज हैं कि वो बाघ को देखते ही उसे जान से मार देते हैं। बेचारा बाघ घबरा कर तुरंत ही वहां से भाग गया। सियार ने चैन की सांस ली ही थी कि मांस की खुशबू सूंघता सूंघता एक चीता वहां पहुंचा। सियार ने सोचा, इसे कुछ देर के लिए अपने वश में किया जा सकता है। उसने चीते से कहा, भांजे, तुम आज बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, लगता है तुम्हें भूख लगी है। इस हाथी को शेर ने मारा है, मुझको इसका रखवाला बनाकर वो नहाने गया है। इस समय तुम मेरे मेहमान हो, तुम चाहो तो शेर के आने से पहले अपनी भूख मिटा लो। सिंह का शिकार है ये सुनकर पहले तो चीता बहुत डर गया। उसने हाथी को खाने से साफ मना कर दिया, लेकिन सियार के थोड़ा मनाने पर उसने एक तरफ से उसकी खाल चीर डाली। चतुर सियार ने यह देखा कि हाथी की खाल एक तरफ से कट गई है। भांजे, अब जल्दी भागो, शेर बस आता ही होगा। ये सुनते ही चीता छलांग लगाकर भाग निकला। फिर तो सियार की बनाई, अब वो बड़े मजे से हाथी का मांस खाने लगा। तभी अचानक एक और सियार वहां आ पहुंचा। पहले तो उसने सोचा, ये तो अपने बराबर का है, इसको अपने बल से ही समाप्त कर देता। वो दूसरे सियार पर अपनी पूरी ताकत से टूट पड़ा और उसको मार डाला। इसका मतलब सियार ने साम शेर के साथ इस्तेमाल किया, बाघ के साथ भेद नीति का प्रयोग किया, चीता के साथ दाम और
दूसरा जो सियार था उसके साथ दंड नीति का प्रयोग किया। हाँ, तो आखिर बात समझ में आ गई। अब तो तुम्हारा लेसन क्लियर हो गया ना? हाँ। अच्छा फिर एक और कहानी। आज के लिए बस इतना ही, अब अगली कहानी कल।